सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीख आई सामने। 18 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार हुआ खत्म। 21,391 पदों पर होगी नियुक्ति। अक्टूबर में पिछले साल पर्चा लीक होने के कारण रद्द हो गई थी परीक्षा। दरअसल बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी जानकारी सामने आई है। बता दें कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने बिहार कांस्टेबल परीक्षा की तारीखें जारी कर दी है। साथ ही पुरानी तारीखों में थोड़ा बदलाव भी किया गया है। इसको लेकर वेबसाइट पर अब शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को लेकर एक नया अपडेट सामने आ गया है। जहां केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने कांस्टेबल एग्जाम के लिए नया शेड्यूल जारी किया है। इसके मुताबिक अब बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अगस्त में केवल 6 दिन ही आयोजित की जाएगी। इससे पहले जो शेड्यूल जारी किया गया था उसमें 7 दिनों की तारीखों का जिक्र किया गया था, जिसमें 31 अगस्त भी शामिल था, लेकिन अब इस दिन एग्जाम नहीं होगा। आपको बता दें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अगस्त महीने में अब 7, 11, 18, 25 और 28 तारीख को विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी और इन सभी दिनों में 12 से 2 बजे के शिफ्ट में एग्जाम होगा। आपको बता दें कि परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित सेंटर पर 2.5 घंटे पहले ही पहुंचना होगा। जी हाँ, बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड एग्जाम से 1 हफ्ते पहले जारी हो सकते हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती में 21,391 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। इस भर्ती को पूरा करने के लिए काफी लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है। 1 अक्टूबर 2023 को बिहार सिपाही भर्ती का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। इस घटना के बाद बाकी दिनों की परीक्षाएं भी कैंसिल कर दी गई थी। वहीं अब इस परीक्षा की नई तारीखें सामने आ गई है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की इस परीक्षा में उम्मीदवारों के पास 100 सवालों के एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए लगभग 2 घंटे दिए जाएंगे और वहीं हर सवाल 1 अंक का होगा, यानी कि कुल 100 अंकों की परीक्षा होगी। बता दें कि लिखित परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट देना होगा, जिसमें दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक आदि चरण भी शामिल होंगे। पीईटी के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट भी तैयार कर दी जाएगी। हालांकि 18 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार आखिरकार अब खत्म हो गया है। वहीं इस खबर को लेकर के जितने भी लोग बिहार सिपाही में शामिल होना चाहते हैं वो कितने खुश है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा।